हेलो एवरीवन। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU LLB में ये जनरल मैथ्स से नियर अराउंड, ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इसको तो हमने डिस्कस कर दिया है, और जितने भी मेन मेन चैप्टर हैं, हमने आपसे कहा था कि मैथ्स में जितने मेन चैप्टर होंगे, ठीक है, ये सबको जो है हम आपको यूट्यूब पे ही करा देंगे। ठीक है, तो टोटल जो है नियर अराउंड 6 to 7 चैप्टर है। ठीक है, इसी से पूरे पूरे 12 से 13 क्वेश्चन जो है पिछले 2 से 3 साल में इसी से आ रहे हैं, और बहुत ही सिंपल लेवल रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पूरा प्रोफार्मा बता दिया है कि जनरल मैथ से 12 से 13 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग मैथ कंबाइन करके 25 है। ठीक है, लेवल बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमने आपको बता दिए थे, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है इसमें देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज कीजिए कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, वही बेसिक लेवल है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही फॉर्मूला आपको जो है याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए आपने जो है एक डाइस को आपने रोल किया, अब पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट नंबर आए। ठीक है, तो आप ये बताइए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 1, 2, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन है इसको देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कि अ सिंगल 6-साइडेड डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 2 और 5। ठीक है, अब आप ये बताइए कि एक डाइस को अगर रोल कर रहे हैं तो 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टोटल चांसेस हैं। ठीक है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल है 6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ठीक है, उसमें से 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ठीक है, अब कभी भी और लगा रहे तो आप इनको प्लस कर दिया करिए। ठीक है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, बस सिंपल है। तो और जब भी लगा रहेगा तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है गलत है, 1/3 कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन 3 ही है। लिखा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड इज ऑब्टेन एट लीस्ट वंस। ठीक है, देखिए एक कॉइन को जो है 2 बार आप टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए टोटल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे। ठीक है, हो सकता है कि दोनों कॉइन पे जो है हेड आए। ठीक है, या फिर हो सकता है एक पे हेड और एक पे टेल आए, फिर हो सकता है एक टेल आए और एक हेड आए। ठीक है, फिर चांसेस हैं कि दोनों पे जो है टेल आ जाए। अब पूछा गया है कि एटलीस्ट जो है एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे भी है, 2 चलेगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, 2-3 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 3, और टोटल है कितने आउटकम्स, 4, तो 3/4 हो जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि 8 पर्सन ABCDEFGH, ठीक है, अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ A and D आर सेलेक्टेड। ठीक है, देखिए टोटल कितने हैं, 8 पर्सन है, ए के चांसेस क्या है सिलेक्शन के, 1/8, डी के क्या चांसेस हैं, इसका भी 1/8, और कभी भी जब एंड लगाओ ना, ठीक है, जब भी और लगाओ तो प्लस करेंगे आप, और कभी भी एंड लगाओ तो इनटू कर देंगे। ठीक है, यही बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1/64, सिंपल है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है कि इन अ लॉटरी, ठीक है, 10,000 टिकट आर सोल्ड एंड 10 प्राइजेस आर अवार्डेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट। ठीक है,
इसमें प्राइज ना पाने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि 10,000 जो है टिकट है और इसमें 10 प्राइजेस जो है, ठीक है, मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये बताइए प्राइज पाने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/10,000, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1,000, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये 1 होती है, ठीक है। कोई चीज हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो अब हमें ये निकालना है कि हम प्राइज नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल एक काम करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, नॉट गेटिंग प्राइज, नॉट गेटिंग प्राइज, ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस, ये प्रोबेबिलिटी प्राइज पाने की क्या है, 1/1,000, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सिंपल है। तो कभी भी ये नॉट वाला जब केस आया करे तो ये लगा दिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर व्हेन अ 6-फेस अनबाइस्ड डाइस टॉस, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 डाइस है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। जैसे 3 है तो 3 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 कर सकता है और 3 कर सकता है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, जैसे 4 हो गया, ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो 3 फैक्टर हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 6 हो गया, और कोई नंबर नहीं है, तो कंपोजिट नंबर आने की, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 या 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक। तो 2/6, 1/3, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 3 अनबाइज क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है। देखिए 3 क्वाइन टॉस किए जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। हो सकता है कि सब पे जो है हेड आए, ठीक है, एक पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ जाए, ठीक है, फिर टेल आ जाए और दोनों पे हेड आ जाए, ठीक है, या फिर हेड हेड और टेल आ जाए, ठीक है। फिर क्या चांसेस हैं, टेल आ जाए, हेड आ जाए और टेल आ जाए, ठीक है। फिर है कि दोनों पे टेल आ जाए, आखिरी वाले पे हेड आ जाए, ठीक है। फिर अब इसी का रिवर्स कर देते हैं, हेड आ जाए और इन दोनों पे टेल आ जाए और एक आखिरी सब पे टेल आ जाए, ठीक है। अब क्या है कि एग्जैक्टली, ठीक है, 2 हेड आनी चाहिए, तो देखिए केवल 2 होने चाहिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, 3 वाले काउंट नहीं होंगे। तो टोटल कितने हैं, 8, ठीक है। टोटल आउटकम्स फेवरेबल कितने हैं, 3, तो 3/8, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि अ ग्लास जार कंटेन 1 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू एंड 4 येलो मार्बल, ठीक है। टोटल मार्बल कितने हैं, 10। इफ अ सिंगल मार्बल इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम द जार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज येल्लो और ग्रीन, ठीक है। अभी बताइए येल्लो मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ये टोटल 4 है, 4/10, और ग्रीन का क्या होगा, ग्रीन कितने है, 3 ना, 3/10, और लगा है, प्लस कर दीजिए इन दोनों को, क्या होगा, 7/10, सिंपल है, ठीक है, 7/10 ऑप्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन गलत है, लिखा है कि अब क्वाइन इज टॉस, ठीक है, एंड अ सिंगल 6-साइडेड डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड साइड ऑफ द क्वाइन एंड गेटिंग अ 3 ऑन द डाई, ठीक है। अब देखिए क्वाइन जो है टॉस किया जा रहा है, एक क्वाइन, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें कि हेड आ जाए, तो 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और डाइस पे जो है 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल आउटकम 6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और एंड लगा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों को, ठीक है, 1/12, सिंपल है, ठीक है। इसको देखिए, लिखा है सिंगल कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कार्ड दैट इज नॉट अ किंग, ठीक है। देखिए 52 कार्ड में, ठीक है, टोटल 4 किंग होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किंग ना आए, तो आप ये बताइए किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52, दैट इज 1/13। अब इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो 1 से आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 12/13, सिंपल है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लिखा है कि 5 कॉइंस आर टॉस्ड एट अ टाइम, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल. ठीक है, देखिए अभी तक जो है कॉइन वाला 2 आते थे, 3 आते थे, हमने एक 5 वाला भी ले लिया है. तो आप ये बताइए कि अगर 5 कॉइन है तो आप कितनी पॉसिबिलिटी बनाएंगे. ये मालूम चल जाता है 2 पे पावर जो है एन से. ठीक है, कितने कॉइन है. ठीक है, सपोज कीजिए कि 3 कॉइन है. ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, 8. 5 कॉइन है तो टोटल कितना बनेगा, 32. तो टोटल आउटकम्स तो हमें मालूम चल गया. अब हम सारे केसेस बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. अब इस क्वेश्चन में देखिए, सारे क्वेश्चन जितने भी एलएलबी में पूछे जाते हैं कोई क्वेश्चन 20 सेकंड से ऊपर का नहीं. ठीक है, अब पूछा गया है कि एटलीस्ट वन टेल. आप हमें ये बताइए कि एटलीस्ट वन टेल जो है आना चाहिए. देखिए जितने भी केसेस बनेंगे, ठीक है, एटलीस्ट वन टेल का मतलब कि एक टेल आ जाए, 2 टेल आ जाए, 3 टेल आ जाए, 4 टेल आ जाए, 5 टेल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक होना चाहिए, उससे ऊपर रहेगा तो चलेगा. देखिए सारे केसेस में 32 केसेस बनेंगे टोटल, एक ऐसा केस होगा जिसपे सब पे हेड आया होगा. ठीक है, इसके अलावा जितने भी केस बनेंगे सब में कहीं ना कहीं टेल होगा. इसका मतलब कि 31 केसेस ऐसे होंगे जिसपे कहीं ना कहीं एक टेल है. डायरेक्ट 31/32, कुछ करना ही नहीं आपको, सिंपल है. डन, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए. ठीक है, सिंपल था, इसी लेवल का क्वेश्चन आता है और 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है. ठीक है, उसको हमने डिस्कस भी किया हुआ है. ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है, जो नेक्स्ट सीट होगी, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है. ठीक है, वहां पे हम आपको शेयर कर देते हैं, उसको आप खुद से सॉल्व करिए. ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन कर देते हैं. और अभी देखिए डेट आपकी एक्सटेंड हो गई है. ठीक है, अभी ये लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 जुलाई हो गई है. तो चांसेस हैं कि अब एग्जाम जो है, ठीक है, जुलाई के लास्ट वीक तो कहा जा रहा था, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है. तो एलएलबी में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है नहीं. ठीक है, हमने आपको पहले ही स्ट्रेटजी बता दी है, माइनस मार्किंग है नहीं. ठीक है, आप मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी से आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आप. ठीक है, क्योंकि जीएस तो सिलेबस काफी वाइड है, तो इधर आप फोकस करेंगे. प्रीवियस ईयर आप पेपर देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए. ठीक है, अभी आराम से, अभी आपके पास कम से कम 25 डेज है, 25 से 30 भी आप कह सकते हैं. ठीक है, वैसे जुलाई आप आखिरी मान के चलिए. ठीक है, कुछ दिन में डेट अनाउंस हो जाएगी. ठीक है, चलिए इसको रिवाइज करते रहिए. ठीक है, सीट हम भेजते हैं, उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं.